हाय, मैं हूँ डॉक्टर अमृता। वेलकम टू आवर चैनल हीलोफाई हिंद। अगर आप प्रेग्नेंट होने की तैयारी कर रही हैं, तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता होगा। इसलिए इस वीडियो में हम आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए ये बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं, अगर आपका पीरियड रेगुलर है तो प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें। यदि आपका पीरियड रेगुलर है यानी 28 से 30 दिन के अंदर आता है, तो आपको अपनी पीरियड डेट मिस हो जाने के बाद एक हफ्ते बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। ये टेस्ट आप घर पर भी कर सकती हैं। अगर आपका पीरियड रेगुलर नहीं है, तब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। पीरियड रेगुलर नहीं है, इसका मतलब है आपका पीरियड कभी जल्दी आ जाता है और कभी कुछ दिन बाद आता है, यानी कि कभी 20 दिन में आपके पीरियड्स हो जाते हैं और कभी 30 से 40 दिन में, और आप इनका रिकॉर्ड भी नहीं रखती हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने पीरियड डेट मिस हो जाने के 2 हफ्ते बाद टेस्ट करना चाहिए। जैसे यदि आपका साइकिल 30 से 40 दिन का है, और ऐसी स्थिति में आपको 41वें दिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें, यदि आप रात में बार बार पेशाब के लिए जाते हैं या बहुत सारा पानी पीती हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट सही आए। इसके लिए आपको एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको कैसा महसूस होगा। सबसे पहले तो आपको उल्टी, चक्कर या जी मिचलाना, मॉर्निंग सिकनेस जैसी चीजें महसूस होंगी। आपके पेट में हल्का दर्द या ऐंठन हो सकती है। वजाइनल डिस्चार्ज भी बढ़ सकता है और बार बार आपको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ सकता है। थकान भी महसूस हो सकती है। इस तरह से आपको प्रेगनेंसी के दौरान ये सारे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, हर महिला अलग होती है, तो हर महिला में प्रेगनेंसी लक्षण भी अलग अलग होते हैं। तो कंफर्मेशन के लिए एक बार आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। आई होप आपको हमारे वीडियो से मदद मिली। हीलोफाई के डॉक्टर्स के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप कोई भी वीडियोस मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।